हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना कर्फ्यू ई पास किस तरीके से इशू करा सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से ई पास ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आप दिल्ली में हो तो कर्फ्यू ई पास आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये एक वेबसाइट है, दिल्ली गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पर कर्फ्यू ई पास जनरेट होते हैं। आप ले सकते हैं यहाँ से, इस वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के अपने वो लिंक ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर। तो गाइस, जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आप इसका आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है ई पास के लिए, तो यहाँ से आप अपना चेक स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप नए हैं और ई पास नया बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस, इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आपको ई पास यहाँ पे जनरेट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। तो गाइस, जब आप सबमिट करोगे तो एक पेज ओपन हो करके आएगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ही होगा। अगर आपने ऑलरेडी ई पास बनवाया हुआ है तो वो ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिकली 3 मई तक वैलिड होगा। और अगर आप नए हैं तो इस तरीके से कुछ ये फॉर्म सबमिट करना होगा यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे अपना नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस डालना होगा, टाइप ऑफ सर्विस, किस तरीके की आप सर्विस करते हैं, क्या बिजनेस है आपका, तो इस तरीके से आपको कुछ डालना होगा। डेट कब से कब तक के लिए होगा और क्या टाइम है और किस टाइम से किस टाइम तक होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी यहाँ पे, और इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आईडी प्रूफ, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको, दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने होंगे, जैसे आईडी प्रूफ है, और मैक्सिमम इसका साइज़ जो है 5 MB का होना चाहिए, और अदर जो एड्रेस, जो बिजनेस प्रूफ के लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट है जैसे एड का कुछ प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर देना है। अगर आप यहाँ से फ़ोटो लेकर के भी इसको अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी मोबाइल में है तो यहाँ से जाकर के डॉक्यूमेंट में सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस, जब आप सबमिट करोगे तो आपको ये 1 से 2 दिन लगेंगे। गाइस, जो इसकी टीम है आपकी एप्लीकेशन पे, वो रिव्यू करेगी, वो चेक करेगी कि वैलिड है कि नहीं है। अगर उन्हें वैलिड लगेगा तो आपको इशू करा देंगे, आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे वो आ जाएगा मैसेज या व्हाट्सएप पे। तो इस तरीके से आप ई पास ले सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको जो ई पास यहाँ से जनरेट होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये एक प्रूफ है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रूव होकर के मिलेगा। देखिए, यहाँ पे देखिए स्टेटस है इसका, अप्रूव्ड है। ये कुछ इस तरीके से आपको ई पास मिल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके।